कहते हैं एक राजा दुष्ट हो, मूर्ख हो, मूढ़ बुद्धि हो, उसके मंत्री अगर अच्छे हों, सुबुद्धि हों, तो भी राजा का राज्य बहुत अच्छे से चल सकता है, क्योंकि मंत्री तो है ना। लेकिन जो राजा भी दुष्ट हो और मंत्री भी दुष्ट हो जाएं, फिर उस राजा का राज्य बचना बड़ा कठिन। इसीलिए मंत्री जो लाए ना, अच्छा मंत्री लाना चाहिए। स्वयं तुम कैसे भी हो, दुष्ट भी हो, बुद्धू भी हो, मूर्ख भी हो, लाखों झगड़ालू भी हो, मंत्री अच्छा रखो। मंत्री मतलब राजा का तो मंत्री होते हैं ना, वो तुम्हारे घर के अंतर मंत्री होते हैं, ये तुम्हारी घर वालियां ही तुम्हारा मंत्री, इन्होंने चलाना है। तुम स्वयं समझो मैं दुष्ट हूं, गलत हूं, क्रूर हूं, परंतु घर वाली अच्छी देख के लाओ, अपनी तरह मत लाओ। दुष्ट मत लाओ, क्रूर मत लाओ, क्यों, बुरी बात है क्या? घर बचा रहेगा ना। समझे भाई? नहीं, घर वाली ऐसी लाओ सवेरे उठा के कहे जाओ भाई स्वामी जी के साथ करो दर्शन पूजन। बच्ची ठीक है? नहीं, झूठ नहीं कह रहा हूं, सही बात कह रहा हूं। तुम्हारा मंत्री मतलब गृहस्थी का मंत्री तुम्हारी पत्नी ही होती है। वैसे भी पत्नी नाम ही इसी का है कि घर वाले को धर्म में प्रेरित करे, घर वाले को धर्म में प्रेरित करे, तभी कहते हैं धर्म पत्नी। आज समय के अनुसार खाली पत्नी रह गई है, धर्म तो छोड़ दी है, इसीलिए पत्नी रह गई है खाली। कितनी घर वालियां हैं जो धर्म में पति को आगे करती हैं, बहुत हैं, ऐसी बात नहीं, होती हैं, अभी भी होती हैं। लेकिन कम है, होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। पत्नी धर्म पत्नी इसीलिए कहा जाता है, धर्म में पति को प्रेरित करती है तो उसका वंश, उसका कुल, उसका घर प्रॉपर निश्चिंत चलता रहता है। जो उल्टा करती है, जो उल्टा करती है, फिर उसका कुछ भी नहीं, वहीं का वहीं वंश ही खत्म, वहीं का वहीं खत्म। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।